नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी बाय तेसर पर। आज हम आपको क्लास 8 के चैप्टर वेरियस रिफॉर्म्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द पर्पज ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ द कैलिको एक्ट इन 1720। दोस्तों इसका जो मतलब है वो है, वो कौन सा पर्पज था एनेक्टमेंट का कैलिको एक्ट के दौरान 1720 में। दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर डी, बैनिंग द यूज़ ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स इन इंडिया। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेट वॉज द फॉरमोस्ट टेक्सटाइल सेंटर इन इंडिया फेमस फॉर मुस्लिम विद जामदानी वीविंग ड्यूरिंग द 18th century। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, ढका। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग 19th century इंडिया बिकेम ए मार्केट फॉर इंग्लिश गुड्स। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल डिक्लाइन ड्यूरिंग द 1820 ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन एंड इम्पोजिशन ऑफ हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन देम इन ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ कुड नॉट बी मेड बाय मशीन्स ड्यू टू विच हैंडलूम वीवर्स वर एबल टू सर्वाइव ड्यूरिंग द 19th century। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कोर्स वीव्ड क्लॉथ लाइक खादी एंड सारीज विद इंट्रिकेट बॉर्डर्स एंड क्लॉथ विद ट्रेडिशनल वेव्स। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इवेंट कॉज्ड रेजेंस इन डिमांड फॉर कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया। उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आगे चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ व्हाट एलिमेंट टू आयरन मेड स्वॉर्ड्स मेड वुड्स स्टील वेरी शार्प। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, कार्बन। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को सेट अप एन आयरन एंड स्टील प्लांट एट जमशेदपुर। बिकॉज ऑफ बोथ आयरन ओर एंड ए रेगुलर वाटर सप्लाई वर अवेलेबल नियर बाई। तो आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नोन एज वर्कशॉप ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों ब्रिटेन वॉज नोन एज द वर्कशॉप ऑफ वर्ल्ड। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया वॉज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया इन विच ईयर। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, 1835। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ वुड्स डिस्पैच। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, टू आउटलाइन द एजुकेशनल पॉलिसी टू बी फॉलोड इन इंडिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अंडरस्टूड टू बी एन इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वुड्स डिस्पैच। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, इंडियंस वुड अप्रिशिएट एंड बाय गुड्स प्रोड्यूस्ड इन यूरोप। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड विलियम एडम रिपोर्ट टू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन पाठशालाज। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, बिकॉज इट वॉज फ्लेक्सीबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द लोकल नीड्स। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम इंडियन एजुकेशनलिस्ट एस्टेब्लिश्ड मोर स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ड्यूरिंग द 19th century बिकॉज दे फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प टू मॉडर्नाइज इंडिया। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द मोहम्मेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वॉज फाउंडेड बाय होम एट अलीगढ़।
दोस्तों, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, सैयद अहमद खान। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर सेट अप स्कूल इन ए रूरल एरिया। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है, टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देयर ओन थॉट्स एंड डिजायर्स सो डैट द स्टूडेंट्स कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव टू हेल्प द स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। तो इन तीनों कारणों की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने उनका स्कूल जो है रूरल एरिया में लगाया। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय यूज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स टू कंपेन टू एंड सोशल जस्टिस अगेंस्ट वुमेन। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, यूजिंग पार्ट्स ऑफ एंशियंट सेक्रेट टेक्स्ट टू प्रूव व्हाट ही सेड। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधीज थिंकिंग अबाउट वेस्टर्न एजुकेशन। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, एंड ओनली सी, इट वुड एजुकेट द इंडियन पीपल विदाउट रियली मॉडर्नाइजिंग देम। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी हु ट्राइड टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन वुमेन। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डिड वुमेन स्टार्ट वर्किंग फॉर रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। दे फाउंडेड स्कूल्स एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर वुमेन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, शी फाउंडेड ए विडोज होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स रिलेटिव हु वाज शी। दोस्तों वो थी पंडिता रमाबाई। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट डिड पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट स्टार्ट डिमांडिंग नियर द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, सोशल इनइक्वालिटी एंड जस्टिस। हमारा अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी। टू चैलेंज द ब्राह्मण क्लेम सुप्रीमेसी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द राइटिंग्स एंड मूवमेंट्स ऑफ लोअर कास्ट लीडर्स एट दिस टाइम। द अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर्स स्टार्टेड रीथिंकिंग देयर अर्लियर आइडियाज। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मैच द नेम्स इन कॉलम ए विद द इंफॉर्मेशन अबाउट देम इन कॉलम बी। दोस्तों एक बार आप इन्हें पढ़ लीजिए। इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब मैं बताता हूँ कैसे। तो देखिए, ब्रह्मो समाज प्रोहिबिटेड आइडल, ब्रह्म समाज जो है आइडल वर्शिप को प्रोहिबिट करता था। थॉमस मैकाले प्रोमोटर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, महात्मा गांधी क्रिटिक ऑफ इंग्लिश वे ऑफ एजुकेशन, एंड श्री नारायण गुरु ट्रीट पीपल इक्वली। दोस्तों आए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इनटू इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। पिक्चर्स क्यों। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स व्हाट वॉज नोन एज कंपनी पेंटिंग्स। पेंटिंग्स बाय लोकल आर्टिस्ट डिपिक्टिंग इंडिया टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। आगे चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इवेंट पॉपुलराइज्ड इंडियन आर्ट। सेटिंग अप ऑफ मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेसेस इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। दोस्तों इसके साथ हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है ख़त्म होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है या इसमें कोई परेशानी है या नहीं है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी और भी मज़ेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।